दोस्तों मेरा नाम है आशीष पांडे और आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूं दोस्तों JBL ट्यून 500 को, मतलब T500। और ये दोस्तों मैंने मंगवाया है अमेजोन से, मैंने अमेजोन से इसको परचेज किया है। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। यहां पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि JBL प्योर बेस साउंड, उसके बाद है हैंड्स फ्री कॉलिंग और साथ ही में टैंगल फ्री फ्लैट वायर और लाइट वेट है, फोल्डेबल डिज़ाइन है। इसी में अगर मैं इसके ड्राइवर सपोर्ट की बात करूँ तो ये 32 mm का ड्राइवर है, 3.5 mm का जैक है और इसकी 20 किलो हर्ट्ज तक की साउंड होने वाली है। तो चलिए करते हैं इसको सबसे पहले अनबॉक्स। साइड उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपको हेडफोन के नीचे ये मिल जाता है पेपर वर्क, तो ये कुछ इस तरीके का है और आपका मन चाहे तो इसको पढ़ लीजिएगा, मैं तो इसको करने वाला हूँ साइड। उसके बाद सीधा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेडफोन, तो चलिए हेडफोन को बाहर निकालते हैं। और सच बताऊँ तो पैकेजिंग काफ़ी बढ़िया की हुई है, तो ये बाहर आ चुका है और इसको भी करते हैं साइड। और यहाँ पर JBL ट्यून 500 यानी कि JBL T500 विद माइक यहाँ पर आ चुका है और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो सबसे पहले अगर हम इसके बॉडी और डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों कुशनिंग मिल जाती है आपको हेड पे कंफर्टेबल फील कराने के लिए और सपोर्ट देने के लिए। साथ ही में इसका प्लास्टिक का डिज़ाइन है, ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप इसको बाहर निकाल के अपने हेड के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है। और ऑल ओवर यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको JBL की ब्रांडिंग मिल जाएगी। साथ ही में दोस्तों ये 90 डिग्री रोटेट हो जाते हैं और ये भी एडजस्टेबल एयरकाफ्स हैं आपके, तो आपके हेड के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर भी ये वही सेम चीज़, और ये पूरा आप इसको इस तरीके से या फिर आपका मन जिस तरीके से चाहे आप इसको उस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। तो ऑल ओवर यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, वायर क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है और आपको काफ़ी अच्छी खासी लंबी वायर मिल रही है। आपको लगभग दोस्तों 1 मीटर की वायर यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों 3.5 mm का जैक मिल जाता है जो कि गोल्ड प्लेटेड है और यहाँ पर आपको JBL की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और ये भी दोस्तों आपको हल्का सा बैंड मिलता है, तो ये डिज़ाइन अच्छा रहता है क्योंकि ये फिर खींचने पर निकलता नहीं है और काफ़ी बढ़िया है। और साथ ही में वायर क्वालिटी भी आपको मिल जाती है, फ्लैट वायर है जो कि टैंगल नहीं होगी। उसके बाद साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको माइक मिल जाएगा और साथ ही में यहाँ पर आपको बटन भी मिल जाता है और इस पर भी JBL की ब्रांडिंग है और ये कुछ इस तरीके से है। तो चलिए अब करते हैं इसकी साउंड को टेस्ट। तो ये गाना दोस्तों इसमें बज रहा है, आपको लग रहा होगा कि शायद मोबाइल से बज रहा है क्योंकि आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ और बाहर आ रही है, तो काफ़ी लाउड आवाज़ है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसको बंद करके, ये देखिए, तो ये आवाज इस हेडफोन की है। 2 hours later और मैं इसके साउंड क्वालिटी को 10 में से 8 नंबर दूंगा और काफी बढ़िया हेडफोन है ये। और इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो ये दोस्तों 2000 रुपये का अभी आपको अमेजोन पे मिलेगा, मतलब 1999 रुपये में। और काफ़ी बढ़िया साउंड क्वालिटी यहाँ पर इसकी है और अगर आपका 2000 रुपये तक का बजट है तो आप इसको खरीद सकते हैं। तो ऑल ओवर यहाँ पर ये 2000 रुपये काफ़ी अच्छा एक हेडफोन है और अच्छी वायर क्वालिटी के साथ में साउंड इसकी काफ़ी बढ़िया है। और दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया है अगर आप लंबा यूज़ करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा देर दिन भर अगर आप हेडफोन लगाते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया एक हेडफोन आपके लिए हो सकता है। तो इतना ही इस वीडियो में दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। साथ ही में इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाली वीडियोस के लिए। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।